नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आज फिर से आयो। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। इस समय हम मौजूद है वसई स्टेशन से वसई मानिकपुर वसई गांव की तरफ जाने वाले रोड पर, यहां मदुराई होटल के सामने, जहां एक मंडप लगा हुआ है। साथी फाउंडेशन ने यह मंडप लगाया है। साथी फाउंडेशन का यह मंडप आज इस मंडप का पहला दिन है और कल दूसरे दिन तक रहेगा। दरअसल इस समय आज अनंत चतुर्दशी है और आखिरी दिन है गणपति विसर्जन का। उसके बाद कल ईद मिलादुन्नबी, जो पिछली कल 16 तारीख को थी, उसका जुलूस 18 तारीख को वसई में निकलना है। तो इस मौके पर यह साथी फाउंडेशन जो है अपनी तरफ से यहाँ गणपति मंडल और कल होने वाले ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को पानी और कुछ नाश्ता वितरित करने वाला है। यहाँ आज अभी मणिपुर पुलिस स्टेशन का गणपति सुबह सुबह गया, उस समय भी इन्होंने नाश्ता और पानी वितरित किया। इस मंडल के कर्ता धर्ता अयुब खान हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ से भी मणिपुर का जो गणपति विसर्जन के लिए गया है, तो दीवान मान दीनदयाल नगर मस्जिद के वहाँ केजीएम सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ने भी वहाँ पानी वितरित किया। इनके ही यहाँ मंडप पर कांग्रेस नेता विजय पाटिल, उन्होंने भी भेंट दी, हमने उनसे भी बात की। आप सुनेंगे आगे वीडियो में भी क्या कुछ कहा विजय पाटिल ने। तो बात करते हैं अयुब जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, आपने ये मंडप डाला है, ये क्या पर्पज है? हमारा एक ही मकसद है कि हम लोग सब सर्वधर्म सब साथ मिलकर रहे, और हम लोग हमारी तरफ से हमारा ये तीसरा साल है साथी फाउंडेशन का। हम लोग गए साल भी किए थे, गणपति के लिए किए थे और ईद मिलादुन्नबी के लिए भी किए थे। तो हम लोग का ये मकसद है कि हम लोग हमारा पालघर डिस्ट्रिक्ट में और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में एक ही मैसेज जाए कि सब भाईचारा मिलकर रहे, सब हिंदू मुस्लिम एक मिलकर रहे। इसके लिए हमारी वही कोशिश है और हमारा फाउंडेशन आगे भी इंशाल्लाह वही काम करेगा। आज आपकी संस्था ने किस तरह से क्या क्या वितरित किया और कल क्या वितरित करने वाले, क्या आपका प्लान है? हमारा अभी मणिपुर पुलिस स्टेशन के लिए हम लोग ने अभी वड़ा अपना नाश्ते का प्रोग्राम रखा था, पानी का रखा था, और जितने भी वसई मणिपुर में जितने भी सार्वजनिक गणपति है उनके लिए भी हम लोग ने पानी और नाश्ते का प्रोग्राम रखा है। और शाल हम लोग का, मतलब हम लोग सब मेरे ग्रुप के मेंबर्स, मेरे जो उपाध्यक्ष है विशु पठान, शाकिर भाई, जय वर्मा, हमारा सब पूरा ग्रुप मिलकर हम लोग सब लोग को सत्कार करते हैं, क्योंकि एक गणपति एक ऐसा त्यौहार है महाराष्ट्र में और अभी तो पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में फेमस हुआ है। वो गणपति के लिए हर धर्म का आदमी खड़ा होता है, और मैं तो बचपन से ही गणपति के लिए खड़ा हूँ, गणपति का अध्यक्ष भी था मैं और अभी भी हूँ। तो मेरा यही मकसद है कि हम लोग सब साथ मिलकर रहे, और कल भी हम लोग का त्यौहार है, वो त्यौहार के लिए हम लोग ने काफी तैयारी हमारी चालू है अभी। तो हम बात करते हैं अयुब जी ने जिस तरह से बताया कि इनका जो ये साथी फाउंडेशन है वो पिछले 3 सालों से लगातार इस तरह की गतिविधियां कर रहा है। हम देखते हैं हमारे आसपास और कुछ चीजें हमें ऐसी दिखाई जाती है कि देश में हिंदू और मुस्लिम दो तरफों के बीच काफी तनाव है, लेकिन जमीन पर उतरेंगे तो वो चीजें कहीं नहीं है। जमीन पर सिर्फ भाईचारा है और इसी चीज को हमें आगे बढ़ाना है। हर एक को हमको भाईचारा जो है, दो समाज कोई भी हो, हर एक के त्यौहार में हर एक कोई आना जाना चाहता है, और भाईचारा आज इस देश में बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा, ये त्यौहारों में मालूम पड़ता है। तो देखिए पूरी हमारी कवरेज आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। साथी फाउंडेशन के मंडप में क्या कहना चाहेंगे? साथी मंडप पे आए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग भाईचारा दिखा रहे हैं, और वसई में भाईचारा तो रहता ही है, मगर उसका नमूना करते कि आज पापा का गणेश विसर्जन का आज शाम को टाइम है, और गणेश विसर्जन की जीपी इधर से जाएंगे, जुलूस जाएंगे उनका, उनके लिए पानी का सुविधा, कुछ नाश्ते का सुविधा ये कर रहे हैं, ये वसई की एक शान बढ़ा रहे, और पूरा वसई में ने ऐसा देश में सोचना चाहिए कि अपना देश भाईचारे से चलेगा तो ही देश का भला होएगा। जो हिंदुत्व हिंदुत्व करके करके जो वोटिंग लेते हैं, मैं तो उनके वो बात से खिलाफ है। आप भी वो बोलते हैं कि हिंदू खतरे में, अगर हिंदू खतरे में होता तो कौन से भी मंदिर में लाइन लगा के दर्शन करने को लोग खड़े नहीं रहते। हिंदुत्व सब जान रहे, अपने अपने धर्म के सब अच्छा काम चल रहा है,
और करना चाहिए, मगर इतना होकर भी देश में भाईचारा रखना मांगता है। ये बात आप कर रहे हैं इसलिए आपको शुभेच्छा देता है और आपका धन्यवाद भी बोलते हैं। कल ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी है, तभी आप भेंट देने वाले क्या? जरूर 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 देंगे। और क्या लगता है आपको पूरे शहर का माहौल वसई विरार, खास करके वसई विरार में भाईचारा बहुत, और वसई में तो आज तक कभी भी कम्युनल कोई मैटर नहीं हुआ है, तो ये एक्चुअली वसई की एक बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि है, मेरे को मालूम है। तो जो टाइम में गलती से बोला, भूल से हुए या पॉलिटिक्स का कुछ भी हो गया, मुंबई में जो दंगल हुआ था वो टाइम में इत्तेफाक से मैं वसई में, मेरा सागर से अपने घर है और बच्चे पढ़ते थे, मैं वसई में रहता था, मगर बहुत से समझो रिश्तेदार इधर के मोमेडियन लोग के रिश्तेदार है वो किधर सेफ नहीं थे, वो लोग आके वसई में रहते थे और शाम को पारना के में मैं देखते थे कि सब उधर से आए थे लोग, इधर से आराम से इधर घूमते थे बहुत बहुत अच्छे तरफ से। तो वसई में उनको बहुत अच्छा लगा, कोई डर नहीं लगा। ये वसई की शान वो टाइम में मैंने देखा है कि भाईचारा देखा है कि सब लोग मुंबई से आके इधर, बहुत से रिश्तेदार होएंगे कुछ होएंगे तो उनको उधर जिधर धोखा लगता था वो लोग इधर आए थे और आश्रय लिया था, बाद में ठंडा हो गया वो अपने अपने जगह पे गए, मगर वसई में वो याद मेरे को याद है, ऐसा वसई में माहौल कायम में रहता बनता, यही मेरी सदिच्छा है। नमस्कार, आज सालावत प्रमाणे माणिकपूर पोलीस स्टेशनच्या 11 दिवसाच्या गणपतीचं अतिशय पारंपरिक वाद्यामध्ये आणि शिस्तबद्ध अशा पद्धतीने, आणि तुम्ही पाहताय वेशभूषा अगदी पारंपरिक वेशभूषेमध्ये माणिकपूर पोलीस स्टेशनच्या गणरायांचं आज विसर्जन पार पडलेलं आहे। अभिमानाची बाब ही आहे की आज दुपारनं एक तासानंतर आम्हाला बंदोबस्त असतानाही आमचे सर्व अंमलदार अधिकारी यांनी अतिशय भक्तिभावाने आणि अतिशय प्रेमाने आपल्या गणरायाला निरोप देण्यासाठी सर्वजण आलेले आहेत आणि हा उत्सव आम्ही देखील साजरा केलेला आहे। तर आमची माणिकपूर पोलीस स्टेशनकडून सर्व माणिकपूरवासीय, सर्व वसईवासी यांना हीच विनंती आहे की आपणही भक्तिभावाने शासनाने जे नियम दिलेले आहेत ते पाळून, वेळेचं बंधन पाळून, आवाजाची मर्यादा पाळून आणि अतिशय भक्तिभावाने आपण गणरायांना आज निरोप देऊया आणि सर्वांना आजच्या अनंत चतुर्दशीच्या हार्दिक शुभेच्छा। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।